हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नया एक और वीडियो में। दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक न्यू चैनल यानी कि एक नया चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज़ कैसे लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक नया चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज़ लाने की ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है, लेकिन ट्रिक्स जो है कि यूट्यूब का जो रूल्स आपको मानना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों आप स्टार्टिंग में व्यूज़ ला सकते हैं। दोस्तों, एक नया चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज़ लाने के लिए किसी ट्रिक से काम नहीं चलता है। दोस्तों, आपका कंटेंट, आपका थंबनेल, आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टैग और आपका कंटेंट, आपका वॉइस, ये सब क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे फर्स्ट जो है आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए और सेकंड जो है आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपका जो कंटेंट है वो एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा यूनिक कंटेंट होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न मेरे पास ये पकड़ा गया है कि यूट्यूब का जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीनों चीज़ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये तीनों चीज़ से आपका वीडियो कभी भी वायरल करा सकता है। दोस्तों, मैंने तो 300 मेरा जो पुराना चैनल है, मेरा पुराना चैनल पर मैंने 320 वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद दोस्तों, मुझे जब पता चला है कि डिस्क्रिप्शन पर और टैग और टाइटल में क्या लिखना है और कैसे लिखना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर इनपुट करना है, उसके बाद दोस्तों मेरे एक वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जो पुराना चैनल है, इस चैनल पर मैंने 320 वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है। और उससे पहले क्यों वायरल नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो रूल्स यूट्यूब का जो रूल्स होता है, ये रूल्स मैंने फॉलो नहीं किया है। जब मुझे फॉलो किया है तो उसके बाद साथ ही साथ मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो वायरल होने के साथ ही साथ मेरा चैनल मैंने मोनेटाइजेशन किया है और उसके बाद दोस्तों आप अच्छा खासा इस चैनल से अर्निंग हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आपने इस चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ लाना चाहते हैं, जब आप रात सोते हो दोस्तों, तो मुझे ये पता है कि सोने के बाद आपका नींद नहीं आता है। दोस्तों, ये आप थिंक लगाते हो कि मेरा चैनल पर व्यूज़ कैसे ज़्यादा ला सकेंगे। दोस्तों, इस तरह आप सोचेंगे कि मेरे चैनल पर मैं कैसे ज़्यादा व्यूज़ ला पाऊँ। तो दोस्तों, ऐसे सोचने से काम नहीं होता है। दोस्तों, जो YouTube के जो रूल्स है वही आपको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, क्या रूल्स फॉलो करना है, दोस्तों सबसे पहले आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपका थंबनेल सही होना चाहिए। तो थंबनेल, एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सेकंड जो है आपका वीडियो की कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए। थर्ड जो है आपका वीडियो की टाइटल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल कुछ अलग होना चाहिए, जैसे कि अगर आप थंबनेल पर कुछ लिखा है तो टाइटल पर और कुछ लिखना है, जैसे कि इस लाइन से लोग एट्रैक्टिव यानी कि लोगों को इंगेज होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, ये जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के, डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो की विवरण आपको लिखना होता है, सिर्फ वीडियो की विवरण नहीं है। दोस्तों, YouTube के जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को आप इशारा करना है इस डिस्क्रिप्शन की मदद से, जैसे कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर क्या आपने बताया है, इस डिस्क्रिप्शन की मदद से YouTube के जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, फोर्थ जो ऑप्शन है, यहाँ पर टैग आपको सेट करना है। तो टैग कैसे सेट करना है, दोस्तों आप कोई भी टैग यहाँ पर सेट करते हो तो आपका वीडियो 1.5 साल क्या है, 3 साल बाद आपका वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे। तो दोस्तों, सबसे ये रीज़न ये है कि आपका टैग जो है ये सर्चेबल होना चाहिए। दोस्तों, टैग जो टैग यहाँ पर इनपुट करते हो यानी कि टैग यहाँ पर सेट करते हो, तो टैग की जो सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए और ओवरऑल ग्रेट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आपका टैग यहाँ पर आप सेट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बहुत ऐसे मतलब सेटिंग्स है, जिस सेटिंग्स के बारे में मैं एक एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, एक वीडियो के अंदर इतना सारा तो कवर नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक से डेढ़ से दो घंटा यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर चालू किया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 320 वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है। तो दोस्तों, मैंने कैसे वायरल किया है और कैसे, मैंने तो खुद
खुद वायरल नहीं किया है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब का एक रूल है कि कोई ना कोई एक वीडियो ज़रूर वायरल होता है, लेकिन आज वायरल होता है या कल या एक साल बाद या दो साल बाद ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कब एक वीडियो वायरल होता है, लेकिन कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होता है। और ये जो वीडियो वायरल होने की सबसे बड़ा कारण आप है दोस्तों। अगर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, वीडियो की कंटेंट, टैग अगर आप सेट करते हो तो उसके बाद दोस्तों एक वीडियो वायरल होने की संभावना रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक कीजिए। और दोस्तों आपका क्या राय है, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।